गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं जा रही हजार में, और उसके बाद मम्मी के घर। हजार में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमें कल मेरा व्रत है, तो व्रत की सारी सामग्रियाँ हैं वो मुझे लेनी है। आलू लेने हैं तो वो लेंगे, फिर जाएंगे मम्मी के घर, और मम्मी के घर से जाना है हमें प्रीति के घर और मेरी बड़ी बुआ के घर कि प्रसादी देनी है हरिद्वार की, तो इसीलिए वहीं जाना है। और पता नहीं तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं बोलते बोलते भी कांप रही हूँ। चलिए मिलवाती हूँ राहुल से, फिर निकलते हैं। तो ये देखिए राहुल बाहर आ चुके हैं, अभी मैं भी आ चुकी हूँ। हेलो राहुल। हेलो। चलिए अभी चलते हैं। तो ये देखिए दशा माँ की मूर्ति लेकर जा रहे हैं। मौसम देखिए, बारिश वाला। तो देखिए हमने यहाँ से फ्रूट ले लिए हैं, ये वाले 5 फ्रूट आ रहे हैं। यहाँ पर पैकिंग रेडी है, अभी चलते हैं, भूसा पलटे हैं और राहुल लेने गए हैं। वो 5 पान आते हैं ना नगर वगैरह, तो वो लेने गए हैं। मैं पूछा पले फिर आती हूँ वापस। तो देखिए यहाँ पर पूछा पा और सब कुछ रेडी आ रहा है, पर मैंने पहले ले लिया कि से पूछा पा ही लेना है मुझे। तो अभी देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैंने ले लिया है सब कुछ, अभी चलते हैं। पहले पता होता तो डायरेक्ट यहीं से सब कुछ ले लिया होता, पर अभी नहीं पता था तो चलिए अभी ले लिया है, चलते हैं। आलू लेकर सीधा मम्मी के। चलिए तो मैं पहुंच चुकी हूँ राहुल में, चलती हूँ। देखो उनको उबासी आ रही है, नींद आ रही है, सो जाइए। क्या ड्यूटी पे तू जाने है? मैं तो चली जाऊंगी, छोड़ क्या जवाब दे, चली चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय। तो ये देखिए मम्मी छोरा चंदा लेकर रेडी हो चुकी है बुआ के घर और रीति के घर देने के लिए। चलिए चलते हैं। चलिए अभी हम रीति के घर पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर और तीर्था को सरप्राइज देते हैं। देखिए दरवाजा ही तीर्था ने खोला है। तीर्था, हेलो रीति। हेलो, जय श्री कृष्णा। आओ आई बाव में। तीर्था, तो ये देखिए तीर्था आ गई हमारी। हमें जावा था तो गाड़ी में एकदम गर्मी थी, हम निंजर ये यहाँ वर्षा तो दुनिया तो अब गर्मी बहुत। जावा था ना उसमें मुझे गेंद दे गया था। किसने दिया तुमको? तो पापा के रेनकोट ने बड़ी मुक्की दे दी। किसको दिया? मैं काई दो पांच मुक्की दिया तो नहीं, क्यों नहीं दिया? लेकिन यार काई ना थी के वर्षा के कहने के पास काट दिया। तो ये देखिए दीदी को दे दिया है, अभी दीदी अपने व्लॉग में दिखाएगी कि मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकला है। और तीर्था चली गई, देखिए अभी मम्मी दे रही सब। देखिए दीदी को तो पर्स भी मिल गया। क्या मिला तीर्था? देखिए कितनी खुश है। चलिए तो अभी हम जा रहे हैं हमारी बुआ के घर। चलो रीति बाय। बुआ के घर नहीं चलना? नहीं, तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊंगी, मेहमान है। मेहमान आए हैं दीदी के घर, तो अभी हम ही जा रहे हैं। बाय तीर्था। तीर्था बाय बाय, आओ चो। चलिए तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी बुआ के घर। अभी यहाँ तो पता नहीं मैं शूट करूंगी या नहीं, बाहर से तो पहुंच चुके हैं। देखिए
चले तो अभी बुआ के घर से हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और अभी मुझे दवाई लेने भी जाना है, तो देखते हैं पापा को पहले फ़ोन करेंगे तो लेने आएंगे या नहीं, उसके बाद देखते हैं कि पापा के साथ जाएंगे या फिर किसी और रिक्शा में। चलिए अभी जा रहे हैं। अभी हम घर पर आ चुके हैं और बच चुके हैं रात के 9:45, तो अभी हम क्लिनिक पर नहीं जा रहे क्योंकि आज बंद हो गया होगा इसीलिए। तो मम्मी ने मुझे सिरप दिया है, मम्मी के पास था वो, तो उसी से भी काम चला लेंगे। अगर कल तक अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह या फिर मंडे को जाएंगे। चलिए अभी ये है फिलहाल से, चेंज वेंज करते हैं। और बुआ का घर जाकर मैंने कुछ सूट नहीं किया क्योंकि बातों में इतने उलझ गए क्या बताए, कितनी सारी बातें करी हमने, पुरानी बातें करी, हरिद्वार की बातें करी, बहुत सारी बातें करी, इसलिए कुछ सूट नहीं किया। फोन ऐसे ऐसे लगता है अपनी बातें के लिए हमने, अगली बार जाएंगे ना तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। अभी एक और बुआ का घर जाना बाकी है, उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। चलिए जब उनके घर जाएंगे ना तब आपसे मिलवाऊंगी। अभी तो फिलहाल चेंज करते हैं और खाना खाते हैं, भूख लगी है इसीलिए। देखिए तो यहाँ पर बिल्ली का बच्चा आ चुका है, मम्मी ने रोटी दी है, देखिए खा रहा है। हेमंग गर्लफ्रेंड रिद्धि ने भी अपने व्लॉग में कहा था, देखो डर रहा है। उसको रोटी नहीं खानी है, देखिए शायद दूध पीना होगा। तो चलिए अभी हम नाश्ता करने बैठ चुके हैं, रात का नाश्ता कर रही हूँ मैं, डिनर नहीं कर रही हूँ, नाश्ता ही हो गया, बजे करा रही हूँ इसलिए दिखाती हूँ कि क्या कर रही है। तो ये देखिए, ये है पकौड़े, मिर्च का, आलू का और मेथी का, साथ में ग्रीन चटनी, चाय और रोटी। सुबह का नाश्ता मैं रात को कर रही हूँ, देखिए। तो चलिए अभी बज चुके हैं रात के 11 बज चुके हैं और मम्मी ने मुझे कप सिर्फ दी है, तो वो मैं पहले पी लेती हूँ उसके बाद उठती हूँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं खतरों का खिलाड़ी और उसमें वो टीयर गैस वाला टास्क आ रहा है, तो मुझे वो याद आ गया जब पोरबंदर में टीयर गैस छोड़ा गया था ना कुछ सालों पहले, आई थिंक 2 या 3 साल पहले, मुझे पक्का याद नहीं है। तो मेरी शादी के बाद और मैं तो अपने ससुराल में, और मम्मी पापा वो सब कहीं बाहर गए थे तो वो भी आकर सीधा सो गए थे, तो उनको तो कुछ पता नहीं। और जो हमारा पुराना घर है ना भटिया बाजार में, तो बंदर वाले जो पूरा रोड है ना वहाँ पर टीयर गैस छोड़ा हुआ था, किस वजह से छोड़ा था ना वो मुझे पता नहीं है, अभी वो याद नहीं आ रहा। हम भी जब हम खाना खा रहे थे ना सब साथ में तब हम याद कर रहे थे, तो कुछ याद नहीं आ रहा है, पर छोड़ा गया था वो याद है। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर देंगे। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तक लिए गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। सॉरी क्योंकि मैं बोलते बोलते भी पता नहीं क्यों हाफ रही हूँ, ऐसा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है इसीलिए। चलिए बाय बाय।